चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे धुआंधार बारिश की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के घनसाली का किया दौरा। चमियाल में 3 करोड़ 38 लाख की 7 योजनाओं का किया लोकार्पण। साथ ही 74 करोड़ 55 लाख की 21 योजनाओं का भी किया शिलान्यास। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार युवा बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। नियुक्तियों के गलत आंकड़े किए हैं पेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। दून अस्पताल में डॉक्टर्स ने सीएम के हाथ पर किया प्लास्टर। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 हफ्तों का समय लगेगा हाथ ठीक होने में। सीएम ने कहा, जारी रखूंगा काम। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंची चंपावत। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने 60 सीटें जीतने का दावा फिर से दोहराया। संबोधन में भाजपा की उपलब्धियां गिनाई। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने देहरादून में की जनसभा। विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। कहा, जो वोट मांगने आए उनसे पिछले 5 साल का हिसाब जरूर मांगिएगा।